मैं हूँ वहीदा और वेलकम टू माई चैनल वहीदा बिलिमोरिया। फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ का 12th चैप्टर जो है हमारा स्मार्ट चार्ट्स वो देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, और इसमें सारे ही चार्ट्स का जो नींव है वो इस चैप्टर में रखी गई है, जहां पे आप टेलीमार्किंग सीखेंगे, उसके साथ साथ आप पाई चार्ट, जिसे यहाँ पे चपाती चार्ट किया कहा गया है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद बार ग्राफ किसे कहते हैं, किस तरह से आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से उसे एनालाइज करने के लिए आप टेलीमार्किंग का यूज कर सकते हैं, ये बड़ी ही खूबी से डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जो डेटा दिया गया है उसमें से फ्रैक्शन बनाना और फिर डिग्री में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। जो कुछ पार्ट्स हमारी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स हमने वो कवर अप किया है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पे चलते हैं, जिसके बाद आप कहेंगे कि चार्ट्स वाला अगर लेसन कोई भी क्लास में हो तो वो मैं पहले करूंगी। तो चलिए फिर अपना सफर शुरू करते हैं स्मार्ट चार्ट से। वेलकम डियरेस्ट चिल्ड्रन, आज हम क्लास फिफ्थ का 12th चैप्टर जो है स्मार्ट चार्ट्स वो देखने वाले हैं, जो बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यामिनी जो है एक लड़की, उसने एनिमल्स और बर्ड्स पे कुछ इस तरह से क्लास में एक प्रोजेक्ट लिया है, जहां पे वो अपने क्लास के 24 बच्चों से ये पूछती है, वो अपने क्लास के बच्चों से पूछती है कि भाई उन्हें कौन सा एनिमल फेवरेट पेट की तरह पसंद है। अब उनमें से कुछ कहते हैं कैट्स, कुछ कहते हैं डॉग्स, कुछ कहते हैं रैबिट्स, काउज, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो यामिनी ने टेलीमार्किंग किया है, इसके लिए उसने एक बहुत सिंपल ट्रिक यूज की है, और टेलीमार्क क्या है वो पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि उसके अगर पहले फ्रेंड ने उसे कहा कैट्स तो उसने यहाँ पे एक मार्किंग किया, अगर दूसरे ने कहा काउ तो उसने काउ पे मार्क किया, फिर अगर तीसरे ने कहा गोट तो उसने गोट पे मार्क किया, फिर फोर्थ ने अगर फिर से कहा कैट तो उसने कैट पे मार्क किया, फिर रैबिट है तो सपोज यहां मार्क किया, पैरेट है तो यहां मार्क किया, फिर काउ है तो यहां मार्क किया, फिर उसके बाद थर्ड ने भी बोला, इसके बाद गोट के बाद कैट्स बोला तो फिर यहां मार्क किया, फिर किसी ने डॉग कहा तो डॉग के सामने मार्क कर दिया, फिर किसी ने फिर से कैट कहा तो देखिए कैट के सामने फोर का एक ब्लॉक बन गया, फिर कहा स्क्विरल तो स्क्विरल के सामने मार्क कर दिया, और अगर फिर से किसी ने कैट कहा तो ये एक बना दिया। तो फ्रेंड्स, 5 का इस तरह से उसने एक बॉक्स बना दिया। अब उसके बाद कंटिन्यू किया उसने, फिर किसी ने रैबिट कहा, फिर किसी ने काउ कहा, फिर अगेन किसी ने कैट कहा, तो अब इसमें हम नहीं करेंगे, ये 5 अगर आपका हो गया तो आपको यहाँ पे एक अलग से करना होगा। फिर किसी ने गोट कहा तो उसे मार्क किया, यहाँ पे इस तरह मार्क किया है, फिर किसी ने फिर से कैट किया तो इस तरह से, फिर रैबिट कहा तो इस तरह से, फिर कैट फिर से कहा तो इस तरह से उसने सबके मार्किंग्स किए, और आपके सामने कुछ इस तरह से मार्किंग्स बताए गए हैं। तो जहां पे ये बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करना, देखिए अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर लाइन लाइंस होती तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये ग्रुप बन गया, सो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ये 20 हो गए, और ये 4 यानी कि 24। 5 1 5, 2 3 4 5 6, तो 5 6 30, 31 और 32, ये 2 है तो 5 2 10, ये 4 है तो 5 4 20, 21 और 22। इसी तरह ये 5 6 7 8, तो यहां पे सिर्फ 8, ये 4 ही है, पूरे ही है तो 5 4 20, और ये 3 है तो 5 3 15। तो उसने जब इस तरह से टैली मार्क्स को काउंट किया तो उनके नंबर काउंट करना बहुत इजी हो गया। अगर वो सिर्फ इस तरह से लाइन बनाती, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर वो इस तरह से लाइन बनाती जाती तो ये लाइन को बाद में आपको काउंट करके यहाँ पे नंबर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता, जबकि ये इजी हो गया। 5 6 7 8, 3 3 1 2 1, ये इजीली काउंट हो सकता है। तो इस तरह से टेलीमार्क की पैटर्न उसने बनाई, और दूसरी पैटर्न्स भी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 1 2 3 4
5 इस तरह से। तो ये भी एक पैटर्न हो सकती है जो आगे वाले क्लासेस में आप देखोगे। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लुक एट द टैली मार्क्स एंड राइट द नंबर्स ऑफ फॉर ईच एनिमल इन द टेबल। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमने हमारे टेबल में सारे ही टैली मार्क्स के सामने उनके नंबर्स लिख लिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू। तो अब आपको फ्रेंड्स इसे टोटल करना होगा, 10 और 17, सॉरी ये 17 के बाद ये 1 भी है तो ये हो गया 21, ये मैंने 4 को नहीं काउंट किया था, 21 ये हो गया आपका 4 और 7, 10 और 131। तो यामिनी ने 131 बच्चों से बात की, 131 चिल्ड्रन। इसके बाद विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 24 को काउंट नहीं किया था इसलिए टेबल में कुछ गलती हुई थी। मोस्ट फेवरेट आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट नंबर इसका है जो है डॉग्स। तो आपको एनिमल का नाम पूछा गया है तो आपको यहाँ पे लिखना है डॉग्स। विच पेट विल यू लाइक टू हैव। तो मुझे भी डॉग ही पसंद है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कैट्स। तो आई वुड लाइक टू हैव कैट्स। वॉट विल यू नेम इट। तो मेरी कैट का ऑलरेडी नाम प्यारी है सो मैं कहूंगी आई विल नेम इट प्यारी। विच अदर एनिमल्स कैन बी केप्ट एट होम। तो मेनी एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन बी केप्ट एट होम, रैबिट्स ऑल्सो कैन बी केप्ट एट होम, स्क्विरल्स कोई लोग रखते हैं, तो ये सारी चीजें आप घर पे रख सकते हैं। तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं कि आप डॉग्स रैबिट्स स्क्विरल्स भी रख सकते हैं कैट्स के अलावा। आप अपने आंसर अपने हिसाब से लिखिए फ्रेंड्स, आपको कौन सा पेट पसंद आएगा आप उसका क्या नाम लिखेंगे और दूसरे कौन से एनिमल्स आप रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि सुमिता जो है ये रोड के पास खड़ी रही और उसने हाफ एन आवर तक काउंट किए। अगर वो यहाँ पे खड़ी है एक जगह पे तो उसने यहाँ पे खड़े रहकर काउंट किया कि इस रोड पे से कितने व्हीकल्स पास हो रहे और उन हरेक व्हीकल के लिए उसने टैली मार्किंग की। इससे उसे काउंट करना बहुत इजी हो गया। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है और उसकी टैली मार्किंग्स के अब हम देखेंगे डेटा जो बहुत सिंपल है। तो उसने साइकिल के सामने इतना मार्क किया, कार्स के सामने इतना, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा और ट्रक। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, चलिए फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 तो 5 5 20 26 27 28 5 2 10 11 12 5 3 15 16 17 18 5 3 15 5 4 20 और 4 24 और लास्ट में 5 and 1 6। तो अब आपको इसका टोटल करना होगा तो ये आप 30 and 30 60 75 75 and 8 is 83 103। ये 103 है फिर भी चेक कर लेते हैं। 10 and 23 23 and 33 सो 3 6 7 8 9 10 11 wait 5 6 7 8 10 बराबर है 103। तो ये आपका टोटल आ गया। राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी नंबर लिख लिए हैं। हाउ मेनी व्हीकल्स डिड सुनीता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। तो हमने देखा कि 103 व्हीकल्स, तो वही आपको लिखना है 103 व्हीकल्स। ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहले आपको ऑटो रिक्शा का नंबर पता होना चाहिए। तो हमारे लिए ऑटो रिक्शा का नंबर है 18 और ट्रक्स का नंबर आपके लिए है 6। तो आप 18 divided by 6 यानी 6 what's 18 3 जा, तो ये 3 times हो गया और वही आपको दिया गया है 3 times यानी के थ्राइस। तो ये हमारा आंसर हो गया ट्रू। ये नंबर बड़ा था इसलिए ये आगे आया, ये नंबर पीछे आएगा और फिर आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए तो ये टाइम्स बनेगा।
make tally marks for 7 more buses and 2 more trucks. फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर बहुत सारी जगह पे अलग अलग दिए गए हैं, मैं आपको अपने हिसाब से बताती हूँ. देखिए मोर का मतलब ज्यादा, तो पहले जो बस थी वो 15 थी, उसमें 7 मोर यानी कि 22 हो गई. तो 22 बस के लिए आप करोगे, देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. इस तरह के 4 ब्लॉक्स आपको चाहिए होंगे. 4 5 are 20, 21 and 22, ये आपके 22 जो है इसके लिए हुए. अब आपके लिए ट्रक्स कितनी मोर चाहिए, आपके पास पहले 6 ट्रक्स थी प्लस आपने 2 की तो 8 हो गई, यानी कि ये 5 6 7 8. तो इस तरह से अब कोई जगह पे इसका आंसर सिर्फ 7 ब्लॉक्स इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं और सिर्फ 2, लेकिन मेरे हिसाब से जब मोर आता है तो ओरिजिनल में आपको वो ऐड करना होता है और फिर करना होता है. तो आप अपने हिसाब से अपनी स्कूल की पैटर्न चेक कीजिए और उस हिसाब से कीजिए प्लीज. अब आपसे कहा गया है टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर, डू यू नो देयर नेम्स, यू कैन मेक ड्रॉइंग्स, यूज टेली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज. तो चलिए मैंने आपके लिए ये करके रखा है, देखते हैं कैसे किया जाता है. देखिए इस तरह से मेरी सोसाइटी में मैंगो ट्रीज है 8, ये नंबर मैंने आपकी जानकारी के लिए रखे हुए हैं. और अब हम टेली मार्किंग करना सीखेंगे. फिर गुलमोहर ट्रीज 3 है, नीम ट्रीज 10 है और आशो पालक जो है वो 17 ट्रीज है. तो मैंगो के लिए अगर 8 है तो ये 5 का पहला ब्लॉक, 6 7 8, ये सिर्फ 3 है. आप जरूरी नहीं कि इसी तरह से 3 मार्क कीजिए, आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. लेकिन कोई भी एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो यही कीजिए, अगर ये कर रहे हैं तो यही कीजिए. फिर 10 के लिए आपको इस तरह के 5 2 are 10 यानी कि 2 ब्लॉक्स इस तरह के होंगे. 17 के लिए आपको इस तरह के 3 ब्लॉक्स चाहिए होंगे कम्प्लीट 5 5 वाले, यानी कि 15 हो गए. और फिर 16 और 17, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. ये ट्री मैंने ड्रॉ नहीं किए, मैंने सिर्फ उनके नाम लिखे. आप चाहें तो आप इन्हें ड्रॉ करके कलर भी कर सकते हैं. तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है. पेज नंबर 162 पे फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, जहां पे ईवीएस पीरियड में टीचर अपने चिल्ड्रन से पूछती हैं कि उनमें से कितने अपने घर अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं हाउस होल्ड चोर्स में. तो फ्रेंड्स उन अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर्स होते हैं जो आपको इस तरह से डेटा के तौर पे दिए गए हैं. अब यहाँ पे आपको इन ये जो डेटा है इसे चेक करना है और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स आपको लिखने हैं. फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टैली मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि वो कहा नहीं गया है. तो आपको पहले टोटल आपको से पूछा गया है तो हम पहले इसे टोटल कर देंगे. तो ये हो गया हमारा 8 20 और ये हो गया 6 7 और ये 10, यानी 100 बच्चों को पूछा गया था और 100 बच्चों ने ये डेटा दिया है. पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ये डेटा चपाटी चार्ट में रखना है. तो फ्रेंड्स चपाटी चार्ट एक्चुअली होता क्या है, चपाटी चार्ट जो इस तरह का हमारा पाई चार्ट होता है उसे कहते हैं. आगे के क्लासेस में हम इसे पाई चार्ट कहेंगे, जिसका एक सेंटर होना बहुत जरूरी है और इस तरह से उसमें पोर्शन बनाए जाते हैं. अब ये पोर्शन डिपेंड करते हैं, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो इसमें 5 सेक्शंस होंगे, 1 2 3 4 और 5 कोई भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है. और ये हमेशा 360 डिग्री में बनता है, जैसे कि इस तरह का आपको एक राउंडेड प्रोटेक्टर होता है वैसा होता है, जो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर ये पूरा सर्कल 360 पे बनाता है. तो इसके लिए फ्रेंड्स डिग्री का जानकारी होना बहुत जरूरी है या फिर फ्रैक्शन की जानकारी, दोनों में से एक आपको पता होना चाहिए. फिलहाल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें फ्रैक्शन के बारे में है, लेकिन मैं आपको डिग्री में कन्वर्ट करना भी बताऊंगी. तो प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे हम सिर्फ जो कोर्स है वो ध्यान नहीं देते, हम वो भी सीखना चाहते हैं जो हमें आगे के क्लासेस में जरूरी होगा. तो चलिए फिर देखिए इस तरह से आपको चिल्ड्रन आर हेल्पिंग टू मेक सर्विंग मेकिंग और सर्विंग फूड, आपको सिर्फ मेकिंग
और सर्विंग फूड वाले बच्चों का फ्रैक्शन जानना है। देखिए 1/3, हाफ और 1/4 ये फ्रैक्शन है, तो आपको इनके फ्रैक्शन जानने हैं। तो वो कैसे करेंगे आप, तो और फिर उन्हें ये जो चपाती चाट, जो ये पाई चाट है, इसमें आपको फिलअप करना है। तो मैंने ये डेटा आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा है और अब हम इसको फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको नीचे टोटल चाहिए और ऊपर इंडिविजुअल नंबर चाहिए, यानी इसका नंबर अगर 47 है तो आपको ऊपर 47 चाहिए। यानी कि देखिए ये टोटल आपका कितना हो गया 100 और उसमें से 47 आउट ऑफ 100, ये पॉसिबल नहीं होगा कैंसिलेशन, तो अभी हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। ये 15/100, ये कैंसिलेशन होगा 5 से होगा, 5 3 5 2 10 एंड 0, तो ये हो गया आपका 3/20। ये 3/ सभी में नीचे 100 आएगा, जो भी टोटल आएगा वही नीचे आएगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। ये 25/ टोटल 100 है, 25 1 25 4, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह भी कर सकते। देखिए 5 5 25 5 2 10 एंड 0, अगेन 5 से करिए, 5 1 5 4, अगर आप ऊपर 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करें, जो नंबर से आप ऊपर कैंसिल कर रहे हैं वही। तो देखिए वही चीज आई, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 1/4। और यही आपसे पूछा गया है कि मेकिंग एंड सर्विंग फूड का फ्रैक्शन कितना है, तो हमारा है 1/4, इसे कहते हैं या तो 1/4 या तो फिर कहेंगे क्वार्टर। तो ये हमारा आंसर हो गया 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। एक और बाकी है तो वो भी देख लेते हैं। ये 10/100 ये कैंसिल हो गया, तो 1/10। सो आपके पास सारों के फ्रैक्शन आ गए हैं। अब हम सीखेंगे किस तरह से आप इन फ्रैक्शंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे फिलअप कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि किस तरह से आपको इस प्रकार का जो डेटा हो उसमें से आप फ्रैक्शन बनाएं और फिर आप किस तरह से पाई चार्ट को फिलअप करें। तो देखिए जो डेटा हमारे पास है उसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ये है गोइंग टू द मार्केट, और इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही है, तो आप यहां पे लिखेंगे गोइंग टू द मार्केट और इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अगर आपको पूछा है तो आपको ये लिखना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको सिर्फ नंबर पूछा है, जैसे कि देखिए यहां पे सिर्फ नंबर लिखा है, तो अब आप सिर्फ 47 लिखोगे। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या फ्रैक्शन पूछा गया है या नंबर पूछा गया है। चलिए तो हमारा ये तो हमने मार्क कर दिया है, अब इसके बाद क्लीनिंग द हाउस वाला ऑप्शन भी आपने मार्क कर दिया, अभी बच गया है इनमें से सबसे बड़ा, ये जो तीन है ये बच गए हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स और मेकिंग एंड सर्विंग फूड, इसमें ज्यादा कौन सा है, 25 वाला, और ये सब में जो बच गए 1 2 3, इसमें ज्यादा यही है और दिखता भी है ये क्वार्टर। देखिए क्वार्टर का मतलब इस तरह से, अगर एक पाई चार्ट को आपका चार पार्ट में कट करे तो एक पार्ट क्वार्टर होता है या 1/4, तो ये दिख भी वैसे ही रहा है। तो ये आपका है मेकिंग एंड सर्विंग फूड, जो आपका नंबर दिया गया हो तो 25 है। तो ये भी फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया 25। अब आपके बच गए सिर्फ ये दो, और इसमें बड़े वाला है वॉशिंग यूटेंसिल्स 15, तो देखिए ये दो जो पार्ट बच गए उसमें ये वाला बड़ा है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वॉशिंग यूटेंसिल्स और 15, और ये जो लास्ट बच जाता है ये है वॉशिंग क्लोथ्स और इसका सिर्फ 3 है। तो देख लीजिए क्या नंबर पूछे गए हैं या फ्रैक्शन। अगर नंबर पूछे गए तो बिल्कुल ये जो चार्ट आपको दिया गया इसके सामने के नंबर ही लिखने हैं आपको, सामने के नंबर, और अगर फ्रैक्शन पूछे गए तो इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। इसके बाद की एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि आपके 10 फ्रेंड्स से आप पूछिए कि उनको स्कूल के बाद क्या करना पसंद है, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे बच्चे आपके 10 आने चाहिए। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज अपने आप भी लिखी है, वॉटरिंग प्लांट, स्लीपिंग और गोइंग टू फ्रेंड्स होम, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल और रीडिंग स्टोरी बुक ऑलरेडी आपको दी गई थी।
तो टीवी देखना मेरे तीन फ्रेंड्स को पसंद है, फुटबॉल कोई नहीं खेलता है, रीडिंग स्टोरी बुक सिर्फ दो बच्चे पढ़ते हैं, वाटरिंग प्लांट्स एक बच्चा करता है, स्लीपिंग फोर जन को पसंद है, देख लेते, नहीं फोर को नहीं, फोर को पसंद है, और किसी के घर पे जाना, गोइंग टू फ्रेंड्स हाउस, इसे पसंद, किसी को पसंद नहीं। तो ये हो सकता है ना, जीरो भी आ सकता है, किसी को ना पसंद हो तो वहां पे कुछ भी नहीं आ सकता। मैंने जानबूझ के ये नंबर्स लिए ताकि हम इस पे से फ्रैक्शंस आराम से कर सके। तो अब हम फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे 3/10, 0/10 यानी जीरो, ये जो भी नंबर है उसके साथ अपॉन आपको ये टोटल लेना है, 2/10, 1/10, 4/10, 0/10। इसी तरह अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स डिग्री में आपको जो भी फ्रैक्शन है उसे मल्टीप्लाई बाय 360 करना होगा। तो देखिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय 360, यहां कट मत कीजिए क्योंकि इजीली यहां पे कट कर सकेंगे आप। तो ये हो गया आपका 108 डिग्री। जीरो तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, वो जीरो डिग्री ही होगा, अगर ऊपर जीरो है तो वो जीरो डिग्री होगा। 2/10 इंटू 360, तो देखिए कट हो गया 72 डिग्री। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 360, सॉरी फ्रेंड्स ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये 36 डिग्री होगा। फिर 4/10 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कट हो गया 36 4 24 144 144 डिग्री, और जीरो है तो जीरो डिग्री। तो देखिए इस तरह से अगर आप डिग्री करोगे और इन्हें फिर बाद में आप ऐड करोगे तो आपका सब टोटल 360 ही आना चाहिए, जो इन इन दिस केस इट इज राइट, क्योंकि ये आपका टोटल हो जाएगा 360। अब फ्रेंड्स ये अगर आप पाई चार्ट बनाओगे तो आप डिग्री से शुरू करोगे, जैसे जीरो से शुरू करके 108 तक आपको वॉचिंग टीवी करना है, ये करना ही नहीं है। यानी भले ही इसमें 6 चीजें हैं, आपके ये दो तो आएंगे ही नहीं, सिर्फ 1, 2, 3, 4 सेक्शंस आएंगे। तो ये डिग्री कन्वर्जन है, जो आप प्लीज एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ध्यान आ जाएगा, और इसके लिए फ्रैक्शन का ढूंढना जरूरी है, और फ्रैक्शन ढूंढने के लिए जो भी नंबर है वो डिवाइडेड बाय उसका टोटल। अब ये जो रागिनी है इसे कार्टून वॉच करना बहुत पसंद है, और नेचुरली होगा ही हर बच्चों को कार्टून वॉच करना पसंद है। तो वो जो है उसने जब देखा कि हर एक जो ब्रेक आती है छोटी वाली ब्रेक उसमें 14 एडवर्टीजमेंट्स आती थी, और उनमें से ज्यादातर में जो एक्टर्स थे वो बच्चे ही थे। तो आपसे पूछा गया है Why do you think that children are used in so many ads? तो इसके दो रीजन होते हैं। First, because they are natural actors. बच्चे हमेशा natural actor, जो उनके दिल में होता है वही उनके चेहरे पे आता है, natural actors. और second, they don't charge more. अगर वो कोई बड़े brand ambassador को लेते तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते वो एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन बच्चे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते, तो इसलिए। तो अब आपको एक टेलीमार्क करके काउंट करनी है एड कोई भी शॉर्ट ब्रेक प्रोग्राम में, और क्या चेक करना है कि क्या न्यूज प्रोग्राम में एड्स आती हैं। तो बिल्कुल न्यूज प्रोग्राम में भी बहुत सारी एड्स आती है, तो इसका आंसर तो यस है। और अगर ये है तो इस तरह की कुछ आपको एक्टिविटी करनी है, आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है और फिर आपको एड्स चेक करनी है। देखिए जैसे कि एक्सपीडिशन में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, इसमें 9 एड्स आती है तो वैसे करिए और फिर यहाँ पे 9 लिख दीजिए। अगर हाउ थिंग्स आर मेड देखते हैं तो ये बहुत कम एड आती है, 1, 2, 3 सपोज, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 लिख लीजिए। कपिल शर्मा शो, तो ये मैंने मेरे शोज लिखे हैं फ्रेंड्स, आप अपने लिखिए, ये सिर्फ रैंडम शोज है। तो आप इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, तो इसमें सपोज 12 ऐड आती। ये एक सिर्फ ऐसे ही नंबर है, रैंडम नंबर्स हैं, ये चेक नहीं किए गए हैं, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है कि इनमें से ये जो 9 एड्स थी इनमें से बच्चे कितने कितने एड में आते हैं, तो वो उसके लिए आपको डॉट्स बनाने हैं।
तो सपोज इस पीरियड में कितने एड्स नौ थी और बच्चे फोर एड्स में आए थे, इसमें टू एड्स में, थ्री में से टू एड्स में आए थे, जबकि इसमें सेवन एड्स में सपोज बच्चे आए थे, तो आपको सेवन डॉट्स बनाने हैं। तो दो एक्टिविटीज आपको एक साथ करनी है, पहले तो एड के लिए इस तरह से टेलीमार्किंग करेंगे और बच्चों के लिए इस तरह से आप डॉट लगाएंगे और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कीजिए कि क्या उन्होंने जो देखा है वो सेम आंसर थे या डिफरेंट आंसर थे, क्योंकि उनके प्रोग्राम डिपेंड करते हैं ना, अगर वो अलग प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर अलग इस तरह का डेटा आएगा, तो आप उनके साथ भी फिर चेक करके डिस्कस कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड में आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है, या हम देखते ही रहते हैं टीवी में, वेदर रिपोर्ट देखते हैं या न्यूज़पेपर में, तो इस तरह के दो बार चार्ट्स आपको दिए गए हैं। अभी तक हम टेलीमार्किंग सीखे, फिर हमने चपाटी चार्ट यानी कि पाई चार्ट के बारे में सीखा, और अब हम इस तरह के बार ग्राफ्स देखने वाले हैं या बार चार्ट्स देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, ये 1 जून का डेटा है जहां पे फोर सिटीज दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर के बारे में बात की गई है, और उसी तरह दिसंबर की 1 को भी दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर की ही बात की गई है। तो इनका जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे डिग्रीज में दिया गया है। लकीली हमारे लिए हर एक के लिए उसके ऊपर ही उसका टेम्परेचर रीड करके दे दिया गया है, वरना हमें करना होता, हमें इस तरह से एक लाइन खींचनी होती और यहाँ पे 30 के बाद 3 छोटी वाली लाइन्स है तो ये 33 होता, इस तरह से 20 के बाद इस तरह से लाइन खींचनी होती और ये 22, इस तरह से हमें करना होता, लेकिन हमारे लिए लकीली ये सारे डेटा दिए गए हैं। तो आपको इनमें से ये देखिए, फाइंड आउट द बार चार्ट फ्रॉम द बार चार्ट विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन 1 जून। तो फ्रेंड्स हॉटेस्ट में इसका मतलब है इसमें टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो हॉट होगा। तो 1 जून यानी आपको सिर्फ ये ही चार्ट देखना है, और 1 जून में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है ये 38 डिग्री जैसलमेर का है, तो आप यहां पे लिखोगे जैसलमेर और इसका है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट? फ्रेंड्स कोल्डेस्ट के लिए आपको सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर देखना होगा, हॉटेस्ट के लिए एकदम हाईएस्ट और कोल्डेस्ट के लिए सबसे लोवेस्ट 1 दिसंबर, यानी इसमें सबसे कम आप देख सकते हैं सिर्फ यहां पे है और वो है शिमला, तो आप यहां पे लिखोगे शिमला और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रेंड्स इस तरह से डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत कंटिन्यूअसली, अगर ये तो कम चीज पूछी गई है, सिर्फ 3 चीज पूछी गई, तो आपको इधर से इधर शंटिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये डेटा इस तरह से लिखा होता जैसे मैंने लिख के रखा है आपके लिए, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाता। जैसे मैंने दिल्ली को यहां से 38 यानी 1 जून पे इसका 33 था और 1 दिसंबर पे 23, वो वैसे ही लिख के रखा है। तो अब आप यहां से अगर आपसे कहा गया कि 1 जून में हाईएस्ट कौन सा है, तो आप आराम से कह सकते हैं जैसलमेर और यहां पे लोएस्ट आराम से। लेकिन खैर ये दो क्वेश्चन के लिए ये मैंने नहीं किया है, ये किया है मैंने डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए। डिफरेंस यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 33 माइनस आप यहां पे करोगे 33 माइनस 23 डिग्री, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका डिफरेंस है। यहां पे आप करोगे 22 माइनस 10 डिग्री, तो यहां पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। 28 माइनस 24 डिग्री, तो यहां पे सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जैसलमेर में 38 माइनस 25 डिग्री, तो यहां पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास ये चार आंसर्स हैं और आपको इसका आंसर सिर्फ यही चीज देखनी है, इसलिए मैं इतना ही रखती हूं ये क्वेश्चन। विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर इन 2 डेज? तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर का चेंज सिर्फ यहां पे यानी कि बेंगलोर में है, तो आपको इसलिए ये लिखना है बेंगलोर। वैसे फ्रेंड्स यहां पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना पूछा गया है, ये मैंने ज्यादा इसके लिए किया है कि वर्कबुक जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, तो तब आपको सबके लिए चाहिएगा, इसीलिए मैंने पहले सॉल्व करके रख दिया है। तो हमारे लिए आंसर होगा बेंगलोर, तो आप यहां पे लिखोगे बेंगलोर, इसका है
4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है ये आपका डिफरेंस है, तो ये आपने कर लिया। अब आपको ट्राई करना है, अपनी बुक में आपको बनाना है, ये वाली एक्टिविटी करनी है जहां पे आपको ऑन एनी वन डे चूज 3 सिटीज एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। आप इसी तरह से कोई भी एक दिन 3 सिटीज को चूज कीजिए। मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट। तो आपको ये डेटा भी लिखना है और उसमें से बार चार्ट भी बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं वो कैसे किया हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने डेटा तैयार किया हुआ है। सिटी हमने मुंबई, सूरत, जयपुर और पणजी ली है और इनके टेम्परेचर्स इस तरह से लिए हैं। ये रैंडम टेम्परेचर्स हैं, ये परफेक्ट टेम्परेचर्स नहीं है, रैंडम है। तो इस तरह से मैंने ये बार चार्ट बनाने का सोचा है। तो देखिए, पहले आपको बताना होता है कि इस बार चार्ट पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने अगर सिटीज लिखी है तो आप यहाँ पे सिटीज टाइटल दीजिए और फिर सिटीज का नाम इस तरह से आप इक्वल इंटरवल पे बनाइए। तो मुंबई, सूरत, जयपुर और पणजी। इसी तरह यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर बता रही हूँ जो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो वो मैंने इस तरह से करके एरो बताया है, ये मेरा टाइटल है। अब पहला जो है मुंबई, मुंबई का हमारा है 28 डिग्री, सो मुंबई मेरा यहां तक आएगा क्योंकि ये बार ग्राफ है, आपको इस तरह से बार ड्रॉ करने होंगे 28 यानी इस तरह से, तो इतना होना चाहिए। ये आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद आता है सूरत, तो सूरत 37 डिग्री है, तो 37 कुछ यहां पे आएगा, तो यहां तक हमें हमारा बार ग्राफ जो है वो लेना होगा, ये हो गया आपका 37 डिग्री और यहां पे लिख दीजिए 37 डिग्री। इसके बाद हमारा जयपुर जो है ये काफी हॉट था 43 डिग्री पे, जो यहां कहीं है, देखिए 43 डिग्री अगर मैं लेती हूं तो इस तरह से वो यहां कहीं होगा, तो फिर मेरे जयपुर के लिए मुझे इस तरह से 43 डिग्री बनानी होगी। थोड़ा टेढ़ा है फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो के साथ इस तरह से बनाना बगैर स्केल के 43 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और पणजी जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने आप इस तरह से आके ये 30 डिग्री, ये मेरे रफ फिगर्स है, आप स्केल से ड्रॉ कीजिए प्लीज। तो ये 30 डिग्री, ये आपका बार ग्राफ हमने बना लिया है जो इस तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स, आप आज का डेटा देख लीजिए, ये 4 सिटीज का आप न्यूज में, और फिर अपने आप से बनाइए और अपने फ्रेंड से भी कहिए और फिर चेक कीजिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया गया है। यहां हमसे कहा गया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पहले रैबिट्स नहीं थे, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ईयर 1780 में लाया गया था और फिर उनके बाद रैबिट्स के नंबर बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने के लिए वहां पे कोई एनिमल नहीं था जो रैबिट्स को खा जाते थे, तो रैबिट्स बच गए थे। तो किस तरह से बढ़ते थे वो बताया। जब वो स्टार्ट हुए थे तो 10 थे, फिर एक साल बाद 1 ईयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो 18 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 58 हो गए, ये 108। ये क्या पैटर्न है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, पैटर्न आपकी है 2 टाइम्स माइनस, देखिए ये 2 टाइम्स, सो 10 टूजा आपका 20 हो गया, पहली बार आप इसमें सिर्फ माइनस 2 कर रहे हैं तो 18 आ गया। देखिए, फिर आपको अगेन मल्टीप्लाई तो करना ही है 2 टाइम्स, 18 इंटू 2 तो वो 36 हो गया। अब आपको उसमें से पहले 2 किया था माइनस, अब आप 4 माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 32। देखिए, फिर से आपको जो भी आंसर आता है 32, उसको आपको 2 टाइम्स ही करना है जो 64, लेकिन अब माइनस कितना करना है, अगर ये 4 है तो अब आपको 6 माइनस करना है तो 58 हो गया। देखिए, इसी तरह यहां पे भी माइनस करना तो वही है 58 इंटू 2 तो ये हो गया 116, लेकिन अब क्योंकि 6 था तो अब 8 माइनस करना है तो 108। देखा फ्रेंड्स, अब फिर नंबर क्या होगा, अब आपको मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है, ये वाला ऊपर वाले नंबर को,
ये हो गया 216. 108 into 2 is 216. अब आपको माइनस 10 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 206. तो यहाँ पे 206. अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है, तो वो हो जाएगा आपका 412. अब आपको माइनस कितना करना है, अगर ये 10 है तो आपको 12, तो आंसर आ जाएगा 400. तो ये आपका 400. इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्वाइस और फिर उसमें से आपको कुछ माइनस करना है. वो डिपेंड करता है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, 8, 2, 2, 2 बढ़ाते जाना है. आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज अ लिटिल लेस देन डबल. बिल्कुल देखिए, डबल जो हुआ उसमें से आपने माइनस किया, यानी कि डबल से थोड़ा कम. डबल द नंबर, डबल तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि उसमें से तो फिर आपने माइनस किया ना, तो डबल तो नहीं हुआ. एट मोर देन नंबर ऑफ लास्ट ईयर. देखिए पहली बार राइट है, एट मोर ही हो रहा है, लेकिन दूसरी बार एट मोर नहीं. अगर 18 में एट मोर करती तो 26 होना चाहिए था, 32 नहीं, तो ये भी नहीं. मोर देन डबल, अगर मोर देन डबल होता तो आप ये माइनस ना करते, आप प्लस करते. तो यहां पे तो हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर है अ लिटिल लेस देन डबल, यानी डबल करके कुछ माइनस करना, यानी लिटिल लेस देन डबल. एट द एंड ऑफ सिक्स ईयर द नंबर ऑफ, अब इसके बाद का जो है ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे. एट द एंड ऑफ सिक्स ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वर क्लोज टू, आप देख सकते हैं 400. आपको बकायदा ये पूरा ही कैलकुलेशन करके बताना होगा फ्रेंड्स, तभी आप समझेंगे कि इसकी पैटर्न क्या है. तो इसकी पैटर्न है, क्या पैटर्न है, लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर आपका कौन सा ईयर है उतना आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये है इसकी पैटर्न है. आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000. तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमने ऑलरेडी पेपर में कर चुके हैं, तो वहां पे देखते हैं. चलिए तो इस तरह से हम पहले यहाँ क्या करेंगे, इस ईयर के लिए आप ये नंबर लोगे 400 इंटू 2, तो ये 800 हो गया. अभी यहाँ पे 12 माइनस है, तो अब आपको करना है माइनस 14, तो ये हो गया 786. तो यहाँ पे 786. अब नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा 786 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 786 इंटू 2, 2, 1, 16, 17 एंड 15, 1572. अब आपको 16 माइनस करना है, तो आप यहाँ पे करोगे तो 6 और 551, 1556. तो यहाँ पे 1556 हो जाएगा आंसर. तो कौन से ईयर में वो 1000 को क्रॉस करेगा, 8 ईयर में, इसलिए आपका आंसर होगा 8 ईयर. यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे 8 ईयर. ये फैमिली ट्री है फ्रेंड्स, इसमें माधव एक वेडिंग में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वहां पे बहुत सारे रिलेटिव्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. वो देखता है ये सारे ही रिलेटिव्स उसकी मम्मी के साइड के हैं, तो प्लीज इसे कंफ्यूज ना करें कि इतने ही रिलेटिव्स हैं. उसके डैडी के साइड के भी इतने ही होंगे, यानी कि डबल होंगे, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की बात है, तो वो नंबर जितना मम्मी के साइड पे होगा उतना ही डैडी के साइड पे भी होगा, तो वो डबल होगा. लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मदर के साइड के देख रहे हैं, यानी कि माधव की मदर जो है शोभना, उसी का देख रहे हैं. तो उसने देखा कि माधव की मदर के, ये जो मदर एंड फादर है ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, माधव के ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके भी अगर कोई पेरेंट है तो वो माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. तो देखिए ये पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये जेनरेशन बढ़ती जाती है. अगर माधव फर्स्ट जेनरेशन है तो सेकंड जेनरेशन उसके पेरेंट्स है, थर्ड जेनरेशन पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स है मदर की साइड के. फ्रेंड्स फादर की साइड अभी हम नहीं देख रहे हैं. फोर्थ जेनरेशन में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है और फिफ्थ में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है. तो फ्रेंड्स इसका हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो चलिए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डिड
शोभना है, माधव का नहीं पूछा गया है, शोभना का, और वो भी उसके सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये इसके पेरेंट्स है, ये अब हम शोभना की बात करें, अब माधव को भूल जाइए, शोभना के पेरेंट्स है और ये जो है ये शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स है। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इनमें से 3 जो है वो जीवित है और 1 जो है दादी वो नहीं रहे हैं, लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें यही दिखाना है कि भाई उनके कितने ग्रैंड पेरेंट्स है। तो शोभना के जो है 1, 2, 3, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डिड माधव हैव? तो देखिए फ्रेंड्स, माधव का पूछा गया है, तो पहला पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये पहले ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ये लाइन के बारे में पूछा गया है। तो कितने हैं फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगेन मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये चार्ट के हिसाब से ही आपको आंसर देना है, वरना इस साइड पे भी इनके 8 होते तो 8 और 8, 16 होते, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से ये नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो आपको लिखना है 8। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन? देखिए ये 5th है, 6th और 7th, तो यहां पे कितने एल्डर्स है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, आपको जो नीचे का नंबर हो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर ये मिलेगा, यानी कि 6th जनरेशन में ये जो था 5th जनरेशन का 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 16, और 7th जनरेशन में ये आंसर को लेना है क्योंकि यहाँ पे 16 होते, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी के 32। तो कितने एडल्ट होंगे 7th जनरेशन में? 32 एडल्ट होंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आंसर्स लिख लिया है, ग्रैंड पेरेंट्स का आंसर 4, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो 8, एल्डर्स 7th जनरेशन के लिए हमें 6th ढूंढना जरूरी था तो हमने वो कर दिया, और अब आपसे कहा गया है कि कौन से जनरेशन में, विच जनरेशन में 128 एल्डर्स होंगे। तो हम यहां से शुरू करते हैं, 7th का डेटा हमारे पास है तो हम 8th से शुरू करते हैं। 8th जनरेशन में आप 8th के लिए इस तरह से नंबर भी लिख सकते हैं, 8th जनरेशन में 32 × 2 यानी के 64 होंगे। 9th जनरेशन में आपके पास 64 × 2 यानी के 128, तो यही हमें चाहिए था, 128 कौन से जनरेशन में होंगे फ्रेंड्स? 9th जनरेशन में। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इसे हम कहेंगे ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। तो इस तरह का, अमित के पास मूंग दाल के फ्यू सीड्स थे और उसने कुछ प्लांट ग्रो किए। अब ये जो प्लांट है इनकी हाइट वो हर 4th डे को नापता है और वो देखता है कि वो हाइट इस तरह से है, ये मतलब है 1.4 का मतलब है 1 और 2 के बीच में जो 4th लाइन आती है ना छोटी छोटी, वो 1 के बाद की 4th लाइन, ये 5th और 6th के बीच में 5 और 6 नंबर जो आप देखते हैं ना उसके बीच की जो 3rd लाइन है उसके बारे में, ये 9 और 10th के बीच की 5th लाइन है उसके बारे में, 16th डे पे 10th और 11th के बीच की 12th सेकंड लाइन है वो देखनी है, और 20th डे पे आपको 10 और 11th के बीच की 9th लाइन देखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि आप चेक कीजिए, देखिए यहां पे लिखा गया है, नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट, जो डॉट आपको इस पेज पे दिया गया है उसे चेक कीजिए क्या ये बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बराबर है, वो कैसे हम चेक करेंगे? देखिए आपका जो डे है वो यहां पे लिखे गए हैं, तो 4th डे पे 1.0 डे पे 0 था इसलिए यहां पे, 4th डे पे 1.2 है तो देखिए 1.2 पे ही मार, अरे 1.4 है सॉरी, वहां पे ही मार्क किया गया है। 8th डे पे 5.3 है तो वही मार्क किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 12th डे पे
9.5 पे ही बिल्कुल मार्क किया गया है। अगर आप चाहें तो आप एक स्केल को इस तरह से रख के भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप स्केल रख दीजिए और चेक कर लीजिए, देखिए ये 9.5 पे ही रखा गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 5.3 पे ही रखा गया है, ये भी 1.4 पे ही रखा गया है बिल्कुल। तो उसने जितना भी मार्क किया है सब परफेक्ट है। तो अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे आपको कुछ सॉल्व करने कहा गया है। आपसे कहा गया है बिटवीन विच डे डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा, और अगर नहीं तो आप प्लीज इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, और जिसका लाइन बड़ी हो वो सबसे ज्यादा डिफरेंस वाला है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये दो में कंफ्यूजन है, तो फिर आप इसे माइनस करके देख लीजिए। यहां पे ये 1.4 माइनस 0 यानी 1.4, यहां पे 5.3 माइनस 1.4 कैसे करोगे, 5.3 माइनस 1.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये आपका 4 और यहां पे 13, ये आपका 9 और 3, 3.9 का डिफरेंस आ गया। सो ये दो दिन के बीच में 3.9 का डिफरेंस। अब यहां पे 9.5 माइनस 5.3 इसी तरह करो, 9.5 5.3, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4, तो ये दो के बीच में 4.2 का डिफरेंस। देखिए देखने में तो ये दोनों सेम लग रहे थे, लेकिन जब आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि 8th और 12th डे के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो यहां पे आप 8 टू 12th में आप इस तरह से मार्क कर दोगे। अब आपसे पूछा गया है व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। तो देखिए फ्रेंड्स 14th डे आपका यहां ये दो के बीच में, यानी कि ये आपका 14th डे है, तो आप 14th डे के दिन इस तरह जाइए, इस तरह जाइए और यहां से आप इस तरह यहां पे जाइए, तो देखिए आप 9.9 के करीब आ रहा है। 14th डे आप इस ग्राफ को मिलाइए और फिर इस जगह पे, क्योंकि आपको तो लेंथ पूछी है ना, व्हाट कुड बी द लेंथ, तो हमारी लेंथ होगी 9.9। कैसे किया तो आपने देखा वैसे ही करना है आपको। विल द प्लांट क्रीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। फ्रेंड्स एक्चुअली साइंस के हिसाब से प्लांट्स ग्रो ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन कई जगहों पे इसका आंसर नो दिया गया है, क्योंकि ये प्लांट वो वहां पे नो ही दिया गया है। तो फिर हम अगर साइंस के हिसाब से देखें तो आंसर येस है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100th डे, मेक अ गेस। तो फ्रेंड्स 100th डे पे उसकी लेंथ वो बड़ा हो चुका होगा, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गेस ही करना है, तो मेरे हिसाब से उसकी लेंथ समवेयर अराउंड 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से इतनी होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि मेरी राइट हो, तो आप अपने हिसाब से गेस करके लिखिए, सोचिए और फिर लिखिए। और अगर मेरे लिए यहां पे आंसर लिखना होता विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, तो यस मैं यहां पे लिखती यस। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने लेसन को कंप्लीट किया है, तो आई होप फ्रेंड्स आपने भी मेरी तरह बहुत एंजॉय किया होगा ये चैप्टर करते हुए। ये चैप्टर मैंने जानबूझ के एक ही वीडियो में डाला है, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये चैप्टर एक वीडियो में डालना इसलिए जरूरी था ताकि हम जो कॉन्सेप्ट्स है वो पूरी तरह समझ सके और उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक करके भी देख सके। तो चले फिर इसी तरह एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसी से मुझे लगता है कि आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। तो प्लीज अपना सपोर्ट मेरी चैनल की तरफ यूं ही बरकरार रहे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए।